नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पत्र में पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाए रखने की जरूरत है। इस पत्र में न्यायपालिका की साख को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व जजों ने कहा है कि कुछ तत्व राजनीतिक हितों और अपने निजी फायदों के लिए न्यायपालिका में जनता के विश्वास को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इस पत्र पर जिन 21 जजों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जज और हाईकोर्ट के 17 पूर्व जज शामिल हैं। इस चिट्ठी में पूर्व जजों ने कहा है कि दबाव, भ्रामक जानकारियों और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका की साख को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस चिट्ठी में जजों ने कहा है, हम खास तौर पर भ्रामक सूचनाओं और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। ये न केवल अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के भी खिलाफ है। इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक वर्मा, कृष्णा मुरारी, दिनेश माहेश्वरी, MR शाह ने हस्ताक्षर किए हैं। कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें, देश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, यानी चुनाव शुरू होने से कम 10 दिन बाद तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ED को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस केस से जुड़े CBI के मामले में उन्हें कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। CBI ने सोमवार को के कविता को रायज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। CBI ने कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी। BJP सांसद आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव नरहुआ का बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। वो वायरल वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बताइए, मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। इसको कांग्रेस नेता और लोग शेयर कर रहे हैं। इस पर अब दिनेश लाल ने कहा है कि शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो फेक नहीं है। दिनेश लाल ने इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद जुबैर ने यह तक बता दिया है कि किसको इंटरव्यू दिया है और कितने मिनट का दिया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट पर टिकट दिया है। इसको लेकर बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेकर झुंझुना बजा रहे हैं, जिसको जहां से चाहें लड़ाएं, दुनिया की कोई ताकत नहीं मनोज तिवारी को हरा सकती है। बता दें, कन्हैया कुमार ने पिछले चुनाव बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था। लोकसभा चुनाव में मेरठ से BJP के उम्मीदवार और धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान जब हमारे देश का बना था, तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। जब परिस्थितियाँ कुछ और थीं, अब कुछ और हैं। अरुण गोविल ने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का कुछ ऐसा बड़ा करने की इच्छा है, इसके जवाब में अरुण ने कहा कि मुझे ये महसूस होता है क्योंकि मोदी जी ऐसी ही कोई बात नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संविधान बदलने को लेकर दिए जा रहे BJP नेताओं के बयान को लेकर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने के बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि ये BJP वाले चाहते क्या हैं? इन्हें संविधान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है? संविधान बदलकर ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव 2024 को संविधान बचाने की लड़ाई बताया है।
मनीष तिवारी ने कहा है कि हमारे सारे साथी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग भी यहाँ चंडीगढ़ आए हैं इसीलिए आए हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे साथ जुड़कर योगदान दें। मनीष तिवारी ने कहा है कि जनता 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कामकाज है उसका हिसाब जरूर लेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी बराबरी के साथ चुनाव लड़े तो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 400 पार की बात करती है, अगर बीजेपी राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चुनाव में धनबल का इस्तेमाल और छलबल का इस्तेमाल ना करे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी को 214 से 240 सीट से ज़्यादा मिलने नहीं जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में परसेप्शन बनाने के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में ये नहीं होगा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी श्रोमणी अकाली दल मुख्य रूप से चुनावी मैदान में हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहाँ कांग्रेस को सबसे अधिक 7 सीटें मिल सकती हैं, आपको 4 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल को कोई भी सीट नहीं मिल सकती है। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में एनडीए को 1 भी सीट मिलने के आसार नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन सभी 39 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। वहीं AIADMK को भी कोई सीट नहीं मिलेगी। राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियों के बीच एबीपी सी वोटर में अनुमान लगाया गया है कि इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को राज्य में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें गुजरात में राजपूतों का जनसैलाब उमड़ा है। इस वीडियो को लेकर अखिलेश ने लिखा है कि भाजपा के विरोध में राजपूत समाज की नाराजगी का ये महाजन सैलाब बता रहा है कि चाहे गुजरात हो, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, हर जगह क्षत्रिय राजपूत ठाकुर समाज अपने मान सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ है। भाजपा को ये अधिकार कभी नहीं है कि वो किसी समाज का अपमान करे। भाजपा याद रखे, जिन्होंने उन्हें सत्ता दी वही उन्हें सत्ता से बाहर करने की सौगंध उठाकर उन्हें बुरी तरह पराजित करेंगे। ये समाज जो वचन उठाता है उससे कभी फिरता नहीं। मतदाताओं को अपना राजनीतिक बंधुआ बनाने की भूल भाजपा के पतन का कारण बनेगी। अमेरिका ने इसराइल को चेताया है कि अगर वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसमें साथ नहीं देगा। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है। बता दें, शनिवार देर शाम ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। ईरान का कहना है ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर इसराइल के हमले के जवाब में किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल को अपनी प्रतिक्रिया में संयम से काम लेना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक और रणनीतिक तरीके से सोचना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरानी हमले का जवाब दिया तो वो और अधिक ताकत से हमला करेगा। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने स्टेट टीवी को बताया कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया आज रात की सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। तुर्की, जॉर्डन और इराक के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले से कुछ दिन पहले नोटिस दिया था। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने भी कहा है कि ईरान ने पड़ोसी देशों और इसराइल के सहयोगी अमेरिका को हमले शुरू करने के लिए 72 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन को चेतावनी नहीं दी थी और उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना था। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान का जवाबी हमला अमेरिकी अधिकारियों की अपेक्षा से अधिक सुपीरियर क्वालिटी का था। एजेंसी ने नाम ना छापने की शर्त पर अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि हाई इंटरसेप्शन रेट के बावजूद ईरान का इरादा नष्ट करना और हताहत करना था और अगर सफल होता तो हमले पूरे मध्य पूर्व में बेकाबू एस्केलेशन का कारण बनते।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात की है। एस जयशंकर ने जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एस जयशंकर ने बताया है कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के सामने मालवाहक जहाज एमएससी एरीज पर सवार चालक दल के 17 भारतीय लोगों को रिहा करने की मांग की है। जयशंकर ने इस फोन कॉल के दौरान क्षेत्र के ताज़ा हालात, तनाव को और ना बढ़ाने के महत्व, सब्र से काम लेने और तनाव को कूटनीति के जरिए कम करने पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों को इजराइल से जुड़े जहाज एमएससी एरीज को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए 17 भारतीय चालक दल के लोगों से मिलने की अनुमति देगा। अब तक के सुर्खों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।